नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। आज है 13 सितंबर का दिन और 13 सितंबर के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आज का हमारा प्रश्न है, एशिया में सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। तो हाल ही में एशिया में सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण किया गया है थाईलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, थाईलैंड के द्वारा एशिया में सादे सिगरेट पैकेजिंग का हाल ही में अनावरण किया गया है। इसके साथ ही थाईलैंड पहला एशियाई देश बन गया है सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण करने वाला। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह जो सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण किया गया है यह किया गया है WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार इस सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण किया हाल ही में थाईलैंड ने। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप फैक्ट याद रखिएगा, 2012 में रंगीन ब्रांड लोगो, तो यहाँ पे 2012 में रंगीन ब्रांड लोगो को बिना तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, रंगीन ब्रांड लोगों के बिना तंबाकू उत्पादों को बेचने वाला पहला जो देश बना था वो बना था ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2012 में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे थाईलैंड की है, तो यहाँ पे मिक्सचर में थाईलैंड है, इसकी राजधानी आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, बैंकॉक इसकी राजधानी है। तथा यहाँ की जो करेंसी चलती है वो बहुत चलती है यहाँ की करेंसी। तथा यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो हैं प्रयुत चन ओचा। कौन है? प्रयुत चन ओचा प्रेजेंट टाइम में थाईलैंड के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न आज का हमारा है, जेलों में आपराधिक गतिविधियों और कट्टरता पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जेलों में आपराधिक गतिविधियों और कट्टरता पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा आपराधिक गतिविधियों और जेलों में कट्टरता, राष्ट्रीय अपराधियों की जेल और उनके संरक्षण पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया जाएगा? BPRD। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का क्या नाम है? आपराधिक गतिविधियों और जेलों में कट्टरता। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया है। तो हाल ही में जो नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 है इसका आयोजन किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तथा इस सम्मेलन की थीम आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे थीम बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी थीम थी इस वर्ष की, रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ थीम को, रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार की नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 की थीम थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। बात यहाँ पे नेपाल की है, तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं केपी शर्मा ओली। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी प्रेजेंट टाइम में यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। हाल ही में किसने स्वदेशी एंटी गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न हमारा है। तो हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्वदेशी एंटी गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, DRDO के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में इस मैन पोर्टेड
पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको हिंदी में स्वदेशी एंटी गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। अब बात यहाँ पे DRDO की है, तो यहाँ पे पिक्चर में DRDO है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर यह आता है DRDO। एक पहला प्रश्न आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो DRDO है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। DRDO की स्थापना मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और यहाँ के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में हैं जी सतीश रेड्डी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चीज़ और आपको इससे याद रखनी है, इसका जो ध्येय वाक्य है आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, पूछा गया ध्येय वाक्य किसका है, तो DRDO का जो ध्येय वाक्य है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? वलस्य मूल विज्ञानम, इसका ध्येय वाक्य है DRDO का, तो इसे भी याद रखिएगा आप। बढ़ते हम अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है? तो हाल ही में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, अरुण जेटली स्टेडियम किस स्टेडियम का नाम बदल के कर दिया गया है। तो दिल्ली के मशहूर क्रिकेट स्टेडियम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के हाल ही में अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। यह जो निर्णय है यह लिया गया है दिल्ली व डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA के द्वारा। तो आप इसे भी याद रखिएगा। प्रजा आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में, सॉरी, जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली का हाल ही में निधन हो गया था, तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की स्मृति में यह स्टेडियम का नाम बदल के किया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की स्मृति में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। जो हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली थे पूर्व, ये कब से कब तक हमारे देश के वित्त मंत्री थे? तो ये वर्ष 2014 से लेके वर्ष 2019 तक ये हमारे देश के वित्त मंत्री थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा राफेल के लिए 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का पुनः शुरू किया गया है? तो हाल ही में जो राफेल के लिए 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो है यह पुनः शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो भारतीय वायु सेना के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। यह जो राफेल के लिए 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो है इसको पुनः शुरू किया गया भारतीय वायुसेना के हमारे जो प्रेजेंट टाइम में चीफ हैं वीरेंद्र सिंह धनोआ यानी BS धनोआ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पे बात राफेल की आ रही है, तो राफेल जो विमान है हम किस देश से खरीद रहे हैं, ये आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो राफेल जो विमान है हम खरीद रहे हैं फ्रांस देश के साथ। तो किससे? फ्रांस से हम इस राफेल विमान को खरीद रहे हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब बात यहाँ पे हमारे भारतीय वायुसेना की है, तो भारतीय वायुसेना के जो प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ हैं कौन है? तो BS धनोआ यानी वीरेंद्र सिंह धनोआ प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायर 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायर 2nd पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमारे जो प्रेजेंट टाइम में संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत हैं, इनका नाम नवदीप सिंह सूरी है। तो यानी ऑप्शन जो सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत नवदीप सिंह सूरी को हाल ही में फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद 2nd पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में ये है नवदीप सिंह सूरी तथा यही हमारे भारतीय राजदूत हैं UAE में, तो इन्हीं को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तथा बात यहाँ पे UAE की है, तो UAE की राजधानी क्या है? UAE की राजधानी है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी UAE की राजधानी है। तथा प्रेजेंट टाइम में UAE की करेंसी क्या है? तो दिरहम। क्या है? दिरहम UAE की करेंसी है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा INS खंडेरी को भारतीय नौसेना में कमीशन
किया जाएगा। तो हाल ही में जो INS खंडेरी है इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, राजनाथ सिंह के द्वारा INS खंडेरी का भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, यह जो INS खंडेरी है इसका जो निर्माण है मुंबई के मजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया इसका निर्माण INS खंडेरी का, तो इस INS खंडेरी का जो निर्माण है मुंबई स्थित मजगान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तथा यह जो स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत की दूसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की यह पनडुब्बी है INS खंडेरी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं ये है INS खंडेरी जो हमारे देश की दूसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसको कमीशन किया जाएगा किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अब बात यहाँ पे INS मतलब दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी की हुई है तो बात हम कर लेंगे यहाँ पे पहले भी कौन से पहले हमारे स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन रह चुकी है, तो जो हमारी पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी थी इसका नाम था INS कलवरी। क्या नाम था? INS कलवरी पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी थी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हमारे जो नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे, IDBI किसके साथ मिलकर 100 ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा, ये भी सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो IDBI है यह LIC यानी लाइफ इंश्योर जो हमारा LIC है LIC के साथ मिलके यह 100 ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये दोनों मिलके क्रेडिट कार्ड सर्विसेज यानी क्रेडिट कार्ड सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एक 100 ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करेगी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। यह जो 100 ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है यह IDBI किसके साथ मिलकर लॉन्च कर रही है, तो LIC के साथ मिलकर लॉन्च कर रही है। अब बात यहाँ पे IDBI और LIC की है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे IDBI बैंक के बारे में। IDBI बैंक का फुल नेम क्या है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हिंदी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में कहाँ है IDBI का, तो मुंबई में IDBI का मुख्यालय है। तथा इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है, तो राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा प्रेजेंट टाइम में IDBI के CEO हैं। अब बात हम करेंगे LIC की, तो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है MR कुमार। कौन है? MR कुमार प्रेजेंट टाइम में LIC के अध्यक्ष हैं। तथा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए, तो आपको बताना है उस राज्य सरकार का नाम जिसने पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की हैं। तो हाल ही में हरियाणा की गवर्नमेंट ने पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की हैं, तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, हरियाणा की गवर्नमेंट ने पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की है। ये दो बीमा योजनाएं क्या है आइए देख लेते हैं। तो हरियाणा की राज्य सरकार ने पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की हैं। योजनाओं में मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना पहली हो गई और दूसरी है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपति बीमा योजना। तो ये दो बीमा योजनाएं हैं जिनका हाल ही में लॉन्च किया गया है हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के व्यापारियों के लिए। तथा इस बीमा योजना के तहत मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक जो निजी दुर्घटना बीमा योजना है के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपति बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो ये दो योजनाएं हैं जो हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कल के क्विज की, तो कल का जो क्विज था आपके लिए था, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी
डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। तो हाल ही में हमारे प्यारे देश भारत ने बहामास देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। दरअसल वहाँ पे बहामास देश में एक डोरियन नामक तूफान आया हुआ है। कौन सा तूफान? तो डोरियन नामक तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत यह सहायता उपलब्ध करा रहा है बहामास को। अगला प्रश्न था हमारा, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है यह मनाया गया 10 सितंबर के दिन। तो ऑप्शन जो है इसका क्या सही है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था। तो ये कल के 2 प्रश्न थे जिसका जवाब आपको देना था। अब हम आज के क्विज की बात करेंगे। तो आज का क्विज जो आपके लिए है, हाल ही में भारत ने किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो पहला प्रश्न आज के लिए आपका ये है, और दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये 2 प्रश्न हैं आज के लिए आपके, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको कल के वीडियो में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।